this is Sakshi. Welcome to the channel PNST. So, this is the day 10 of our preparation. Abhi tak humne bahut sare chapters biology including the physics aur chemistry bhi complete kar liye hain. Aur in the last 2 days means 8th aur 9th day aapne revision kiya hai aur apne backlogs ko clear kiya hai. So, I hope ki abhi tak aapke sare chapters totally complete ho gaye honge aur aapki summaries aur reviews bhi ek aur baar aapne wapas se revise kar li hongi. So, from now we will start doing the 2 chapters each day of the biology section and we will do a single chapter or we will finish a single chapter either of chemistry or physics. So, aap लोगों को ध्यान रखना है कि ये सारे टारगेट्स आप डे बाय डे कंप्लीट कर रहे हैं बिकॉज टिल द डे 30 हम लोगों को हमारे सारे चैप्टर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ द टारगेट्स फॉर द बायोलॉजी सेक्शन विल बी अगेन द चैप्टर फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इस चैप्टर में आपको ब्रेन से रिलेटेड भी चीजें दी गई हैं, मसल्स भी दी गए हैं, बहुत सारी बोन्स हैं, उनके नेम्स हैं एंड उनके पर्टिकुलर फंक्शंस भी हैं. सो आपको सारे जॉइंट्स के नेम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. इस चैप्टर में भी मेनली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सारी चीजें जो दी गई हैं उन्हें समझने के साथ साथ याद भी करना है और प्लस आपको कुछ साइकिल्स भी दी गई हैं और प्लस मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरीज भी. तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है और बहुत अच्छे से ये सारी चीजों का फ्लोचार्ट फॉर्म कीजिए और उसके बाद देखिए कि कैसे कैसे आप लोगों को प्रेपरेशन करनी है और अपनी प्रेपरेशन को एक परफेक्ट टाइम दीजिए. सो आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट ऑल दीज थिंग्स. आप इस चैप्टर विच इज द लोकोमोशन एंड मूवमेंट इसकी सारी थ्योरी पोर्शन एक बार रीड कीजिए, समझिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, उसके बाद इसके नोट फॉर्म कीजिए, पॉइंट्स हाईलाइट कीजिए, अगेन फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट करना है. द सेकेंड चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. दिस चैप्टर इज अगेन फ्रॉम द क्लास 11th बायोलॉजी और इस चैप्टर में आपको बहुत ईजी और थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं. तो ये सारी चीजों को आप समझिए और नोट डाउन करके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कीजिए. तो नाउ द लास्ट टारगेट और द टारगेट फॉर द केमिस्ट्री फॉर टूडे इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दिस इज द क्लास 12th चैप्टर और आपको ये इस चैप्टर में आपको बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज हैं और क्वेश्चंस भी अप्रोक्स इजी पूछे जाते हैं अदर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में. तो आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, बाकी के आपको 2 बायोलॉजी के चैप्टर को कंप्लीट करना है और इस चैप्टर को मेनली आप एक बार रीड करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे पर आपको इसको एक या 2 बार रीड करना पड़ेगा और उसके बाद इट विल गेट फाइन और आपको सारी चीजें इजिली समझ में आने लगेंगी. सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स. आपको ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और हम ये तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे उसके बाद वी विल मूव टू द डे 11 टारगेट. So this is Sakshi, that's all for today and I will catch you in the next video.